हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आई वेलकम यू टू द बायजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग 500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट 3 आज हम लोग कवर करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से जिस भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एग्जिस्टेंस है, वहां पर जरा जल्दी से बता करके आ जाइए कि क्लास जो है मनोज सर की चालू हो चुकी है और हम लोग डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं 500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट 3। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज, ठीक, सामाजिक संपर्क के अध्ययन के रूप में नाट्य प्रदर्शन किस रूप में जाना जाता है? बताइए सबसे पहले क्वेश्चन का सवाल जल्दी से बताइए, सारे लोग आंसर करेंगे और सवाल जो है वो बहुत आसान है, तो सभी लोगों को आंसर करना चाहिए जल्दी से। गुड, वेरी गुड, तो सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड कल्चर कंप्राइज इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स, इनहेरिटेड गुड्स, इनहेरिटेड टेक्निकल प्रोसेसेस, इनहेरिटेड आइडियाज, इनहेरिटेड हैबिट्स एंड इनहेरिटेड वैल्यूज। किसने कहा था कि संस्कृति में विरासत में मिली कलाकृतियां, विरासत में मिले सामान, विरासत में मिली तकनीकी प्रक्रियाएं, विरासत में मिली विचार, विरासत में मिले आदत और विरासत में मिले मूल्य शामिल है, यानी मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों ही कल्चर शामिल हैं, ये बात किसने कही थी? क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से सबके आंसर। बेरोक टोक, क्लास चल रही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी मेलिनोस्की और हैंडी वर्क ऑफ मैन इज कल्चर, ये किसने कहा था जल्दी से बताओ? हैंडी वर्क ऑफ मैन इज कॉल्ड एज कल्चर, किसने कहा था फटाफट से देखें कितने लोग आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट व्यू मॉडर्निस्ट एज अ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से कौन से वो सिद्धांतवादी हैं जिन्होंने आधुनिकता को एक अधूरी परियोजना के रूप में देखने का काम किया है? आधुनिकता को अधूरी परियोजना के रूप में देखते हैं, कौन है वो बताइए जल्दी से। अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, अभी तक मुझे किसी का भी आंसर दिख नहीं रहा है। यस, तो मिला जुला आंसर आ रहा है। देखिए अर्पिता, आप मेलिनोस्की लिख रही हैं, ऐसे समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर लिखिए उसके बाद आंसर लिखिए, ऐसा मत कीजिए, कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि सीधे सीधे आंसर देगा। आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है फिर उसके बाद आंसर देना है। इसका सही आंसर है यूर्गेन हेबरमास, ठीक है। अनफिनिश्ड प्रोडक्ट मॉडर्निटी को किसने कहा था? यूर्गेन हेबरमास ने कहा था। याद नहीं था तो याद रख लीजिएगा अच्छी तरह से। Which of the following match is incorrect? नीचे दिए गए युग्म में से गलत युग्म आपको बताना है, जल्दी से फटाफट से बताइए। बहुत सरल आंसर है और उसको सही भी कर दीजिएगा। जो बुक गलत दी हुई है उसे सही कर दीजिएगा, मैं जो कह रहा हूं, समझ में आया? बताइए। तो अभी तक आंसर नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। जो बुक गलत दी हुई है उसे सही करना है, तो ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर ने एंशियंट सोसाइटी नहीं लिखी है, तो फिर ये एंशियंट सोसाइटी जो किताब है ये किसने लिखी है बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, तब तक क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कॉल्ड ट्राइब एज अ सब नेशन, किसने जनजातियों को उपराष्ट्र के रूप में परिभाषित किया है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ट्राइब्स इज आर ट्राइब्स अ नेशन में, देखिए टाइटल दिया था मैंने आर ट्राइब्स अ नेशन।
ठीक, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस किसने उपराष्ट्र कहा है, किसने प्रोटोनेशन कहा है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से, किसने ट्राइब्स को सब नेशन कहा है, कौन है वो जो ट्राइब को उपराष्ट्र के रूप में देखते हैं। यस, काफी सारे स्टूडेंट्स को याद है, वेरी गुड, ग्रेट। ऑप्शन सी, एन के बोस ने कहा है। ठीक है, एन के बोस ने कहा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाइए कंप्यूटर जी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम्स अंडर सिक्स्थ शेड्यूल स्टेट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची के राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। अब पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची जो ट्राइबल एरियाज हमारे देश में दिए हुए हैं, उनको पे उनपे जो कंट्रोल करता है, उनपे नियम अलग से लागू करता है उन ट्राइबल्स एरिया पे जो कि इन छठी सूची और पांचवी अनुसूची स्टेट में रहते हैं। मैंने आप लोगों से पूछा है कि छठवी अनुसूची में कौन सा नहीं है, यस, तो फिर उसको सही भी कर दो बच्चों, जल्दी से उसको सही भी कर दो। तो मणिपुर नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, लेकिन मणिपुर की जगह कौन सा स्टेट था ये बता दो जरा जल्दी से फटाफट से, तो बाकी दूसरे स्टूडेंट्स का भी भला हो जाए। कौन सा स्टेट था? देखो चार स्टेट हैं सिक्स्थ शेड्यूल में, मणिपुर इसमें से नहीं दिया है, तो कौन सा स्टेट दिया है ये बताओ। क्या बात करते हो यार तुम लोग, मतलब तुम लोगों को इसका आंसर पता है लेकिन सही आंसर नहीं मालूम है, ये कैसे हो सकता है। यस, किरण ठाकुर बिल्कुल सही, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है छठी सूची के स्टेट्स कहे जाते हैं और इनमें जो जनजाति रहती है उनपे अलग से कंट्रोल किया जाता है, अलग नियम से, उन्हीं के नियम के अनुसार उन्हें कंट्रोल किया जाता है। बाकी जितने भी 10 स्टेट्स हैं जहां पे कि ट्राइबल एरिया बहुत ज्यादा है, वो 10 स्टेट जो है वो शेड्यूल 5 में आते हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डिफरेंशिएटेड बिटवीन इंपेल्ड माइग्रेशन एंड फोर्स्ड माइग्रेशन, निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रेरित प्रवास और जबरन प्रवास के बीच अंतर प्रस्तुत किया है। प्रेरित प्रवास और बलात् प्रवास यानी जबरन प्रवास किसने दिया है ये बताइए। निधि, निधि आई है, निधि क्लास अटेंड कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि अभी तक मैंने काफी सारे नए क्वेश्चंस पूछे हैं। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर। इसका सही आंसर है बीके रॉय वर्मन। क्या हो गया आप लोगों को? नहीं, इसका आंसर जो है बीके रॉय वर्मन नहीं होगा, इसका आंसर पीटरसन ही होंगे। ठीक है, ये ए कर लीजिए, इसका आंसर विलियम पीटरसन ही है। ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोग, ठीक याद रखा है आप लोगों ने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, विलियम पीटरसन। अच्छा राफिया, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, मगर उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लो आज ही, अभी इसी वक्त, क्योंकि बहुत सारे फ्री क्लास के उस आपको उस पे लिंक मिल जाते हैं, बहुत सारी फ्री क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और सोशियोलॉजी का ऐप पर अभी रिवीजन चल रहा है, उस रिवीजन को मिस मत करो क्योंकि वो आपको एक स्टेप आगे ले जाएगा दूसरों से। 9241333666 पर कॉल कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं मेरे से सोशियोलॉजी पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिव, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण से सबसे नजदीकी से जुड़े हुए हैं, जल्दी से बताइए। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस
मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए हैं, तो चलिए डी स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़े हुए हैं क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, याद रखिएगा स्ट्रक्चरलिज्म। क्वेश्चन नंबर नाइन को ओके मैंने चेंज किया था लेकिन ये चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम एनालिसिस, दुर्खाइम के अनुसार दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं, जल्दी से बताइए फटाफट से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सारे के सारे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सारे सही हैं, सारे के सारे सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा सुसाइड जो है विद चिल्ड्रन वाले लोगों में कम होती है, विदाउट चिल्ड्रन वाले लोगों में ज्यादा होती है। सुसाइड जो है प्रोटेस्टेंट्स ज्यादा करते हैं, कैथोलिक्स और ज्यूज कम करते हैं। सोल्जर्स में सुसाइड ज्यादा होती है, सिविलियंस में सुसाइड कम होती है। अकॉर्डिंग टू वेबर देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ लेजिटिमेशन अथॉरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम, बताइए। वेबर ने तीन प्रणालियां, वैधिकरण की तीन प्रणालियां दी हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उन्होंने नहीं दिया है यह आपको बताना है। टेंथ का जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है रिलेशनल, उन्होंने ट्रेडिशनल दिया, करिस्मेटिक दिया, रेशनल लीगल दिया, लेकिन रिलेशनल नहीं दिया, उन्होंने संबंध परक सत्ता पे कभी डिस्कशन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए कंप्यूटर जी, हु अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वर्कर्स के मतलब वर्कर्स आर, कार्ल मार्क्स के अनुसार मजदूर के पास क्या नहीं है ये बताना है आपको, जल्दी से बताइए, देखिए फटाफट से। तो मजदूरों के पास मदरलैंड नहीं होती है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि उनकी कोई मातृभूमि नहीं होती है, इसलिए वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास कोई मातृभूमि नहीं होती है। इन मार्क्सिस्ट थ्योरी द डैश इज द वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास मजदूर वर्ग को मार्क्स, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं बताइए। तो इसका सही आंसर जो है वो है कार्ल मार्क्स मजदूर वर्ग को प्रोलिटेरियट यानी सर्वहारा कहते हैं, आप सभी लोगों को पता है ये बात अच्छी तरह से। वेज लेबर एंड कैपिटल मोनोपोली पुस्तक किसकी है, किसने लिखी है, हु हैज रिटन वेज लेबर एंड कैपिटल मोनोपोली, जल्दी से बताइए। हाँ कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड दिख रहे होंगे, ठीक है, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टू डिस्क्राइब सोशल सिस्टम एज अ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट, निम्नलिखित में से किसने अमूर्त और सामान्यकृत अवधारणाओं के समुच्चय के में से सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए सामाजिक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन किया है, बताइए। तो इसका सही आंसर टेलकट पार्सन है, आप लोगों को इसका सही आंसर जो है वो रट चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ एलीट थ्योरी, कुलीन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है बताइए, कुलीन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, फटाफट से बताइए जल्दी से। अभिजात वर्ग का सिद्धांत का जनक, फादर किसे कहा जाता है, एलीट थ्योरी का फादर किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए फटाफट से, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही हैं आप लोग, विल्फ्रेड प्रेटो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विल्फ्रेड प्रेटो को फादर ऑफ एलीट थ्योरी कहा जाता है, कुलीन सिद्धांत का जनक माना जाता है विल्फ्रेड प्रेटो को, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड थ्री फोल्ड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, निम्नलिखित में से किसने थ्री फोल्ड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी दिया है बताइए, आपका समय शुरू हो चुका है अच्छा वाला। जल्दी से बताइए, और आज मैंने शेयर नहीं किया है अपनी क्लास को,
हालांकि यार मैंने कल तो लिंक प्रोवाइड कर ही दिया था आप लोगों को, फिर काहे नहीं आए आप लोग। यस, तो इसका सही आंसर है अगस्त कॉम्ट। वेरी गुड, ग्रेट, आप लोग सब समझदार हो चुके हैं, ग्रेट, अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए और अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन। अगस्त कॉम्ट बुक कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी इज पब्लिश्ड इन हाउ मेनी वॉल्यूम्स। अगस्त कॉम्ट की पुस्तक कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी है कितने खंड में प्रस्तुत की गई है, बताइए कितने खंड में पब्लिश की गई है अगस्त कॉम्ट की ये किताब। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो। जितने लोग सो रहे हैं जाग जाओ। ठीक है, तो इसका सही आंसर है छह खंड में प्रस्तुत किया है। काहे काहे गलत कर रहे हैं, छह, सिक्स वॉल्यूम भैया, सबका गलत हो गया है। कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी सिक्स वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। आप लोगों ने सोचा कि सर ने रिपीट किया है, सिक्स, छह छह वॉल्यूम पॉजिटिव फिलोसॉफी। ठीक है, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 18। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल थॉट फ्रॉम लोर टू साइंस, जल्दी से बताइए। सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर आज क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है क्या, बताइए ऐसा होता है क्या। तो इसका सही आंसर है एमर्स बार्न्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। हु वॉज द फर्स्ट फॉर्मली ट्रेन्ड इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हु फर्स्ट फॉर्मली ट्रेन्ड इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू स्टडी द इंपैक्ट ऑफ नॉन ट्राइबल कल्चर्स अपॉन द वे ऑफ लाइफ ऑफ इंडियन ट्राइब्स। भारतीय जनजाति के जीवन के तरीकों पर गैर आदिवासी संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन करने वाला पहला औपचारिक रूप से प्रशिक्षित भारतीय मानव वैज्ञानिक कौन था। थोड़ा टफ सवाल है ये। यस, राफिया, ग्रेट। गजब राफिया। चलिए, तो इसका सही आंसर है डी एन मजूमदार। ठीक है, डी एन मजूमदार ने फर्स्ट फॉर्मली ट्रेंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने नॉन ट्राइबल्स का प्रभाव ट्राइब्स के ऊपर स्टडी किया है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा जितने लोगों को याद नहीं है, डीएन मजूमदार इसके आंसर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए कंप्यूटर जी। अल्फ्रेड शुज वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर। अल्फ्रेड शुज ने निम्नलिखित में से किस दार्शनिक से सबसे अधिक प्रभावित थे, बताइए। अरे निधि का क्या हो गया, निधि तबीयत खराब हो गई क्या तुम्हारी।
निधि जब नए सवाल थे तब आपने मिस कर दिया यार, आप स्टार्टिंग से देखो यहां से आपको फायदा नहीं होने वाला है। ठीक, चलिए इसको जरा क्वेश्चन नंबर 21 को स्किप कर रहा हूं मैं। ठीक, हु सेड कल्चरल कंप्राइज इनहेरिटेड फैक्ट्स, इनहेरिटेड गुड्स, इनहेरिटेड टेक्निकल प्रोसेसेस, आइडियाज, हैबिट्स एंड वैल्यूज। किसने कहा था कि संस्कृति विरासत में मिली कलाकृतियां, सामान, तकनीकी प्रक्रियाएं, विचार, आदतें, मूल्य शामिल होती हैं। तो इसका सही आंसर है बी, मेलिनोस्की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे, मगर उसके पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो चालू हो चुका है। टेलीग्राम ग्रुप है बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको बहुत सारे फ्री क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं, और पेड क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 9241333666 पर आप कॉल कर लीजिएगा और आपको क्लासेस ज्वाइन हो जाएंगे। यार ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। विच ऑफ द, ये भी रिपीट हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर हैज फ्रीक्वेंटली इलस्ट्रेटेड एथनोमेथोडोलॉजिकल एनालिसिस बाय मींस ऑफ इलस्ट्रेशन ऑफ सर्विस लाइन और असेंबली लाइन। निम्नलिखित में से किस विचारक ने सेवा लाइन और असेंबली लाइन के चित्रण के माध्यम से अक्सर नृवंश विज्ञान विश्लेषण का चित्रण किया है? बताइए फटाफट से, मैं जानता हूं कि थोड़ा रिपीटिशन हो गया है आज। यस, और जितने लोगों ने आप में से अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है, प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। 28th, which of the following thinker consider globalization to be the natural consequences of modernization that ends up in reconstruction of global society? निम्नलिखित में से कौन से विचारक वैश्वीकरण को आधुनिकीकरण का स्वाभाविक परिणाम मानते हैं? वैश्वीकरण को आधुनिकीकरण का स्वाभाविक परिणाम मानते हैं कौन से विचारक, जो वैश्विक समाज के पुनर्निर्माण में, मतलब जिससे वैश्विक समाज बनता है, समाप्त मतलब एंड मतलब ये गड़बड़ हो गया है, जिससे वैश्विक समाज बनता है, बताइए कौन है वो जो ग्लोबलाइजेशन को नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस मानते हैं मॉडर्नाइजेशन का। मॉडर्नाइजेशन कौन है वो जो आधुनिकीकरण को का स्वाभाविक परिणाम मानते हैं वैश्वीकरण को? तो बिल्कुल सही है आप लोग, एंथोनी गिडेन जो है वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस मानते हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को, मॉडर्नाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए कंप्यूटर जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस द टू फंडामेंटल वे वी अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी एज अ मींस टू एंड एंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी। निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रौद्योगिकी को समझने के लिए दो मूलभूत तरीकों को संबोधित कर किया है? एक लक्ष्य के साधन के रूप में, लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में, और दूसरा एक मानवीय गतिविधि के रूप में। किसने इस तरह से डिफाइन किया है टेक्नोलॉजी को, बताइए। टफ क्वेश्चन है 29th। Which of the following thinker addresses the two fundamental way of understanding technology? पहला, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना का माध्यम टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, means to achieve our end is technology, और second it is an human activity। तो इसका सही आंसर है एमंड हसल। एमंड हसल इस तरह से टेक्नोलॉजी को डिफाइन करते हैं। 29th का सही आंसर है एमंड हसल। ठीक, चलिए
क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए कंप्यूटर जी। सोलुवा, मुआली, गिमवाली एटसेट्रा आर टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमोनियल एक्सचेंज। सोलवा, मुआली, गिमवाली आदि निम्नलिखित में से किस औपचारिक आदान प्रदान से जुड़ी शब्दावली है, बताइए। जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कुला। ठीक, कुला, कुला रिंग ऑफ एक्सचेंज। ठीक, चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कुला, कुला रिंग ऑफ एक्सचेंज से सवाला मावाली और गिम्बाली जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट आपको बताना है, जल्दी से मैच कराइए और इनकरेक्ट वाला, और उसको करेक्ट भी कर दीजिएगा। ठीक है, करेक्ट भी करना है। बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट 2022, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जितने भी लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दीजिए फटाफट से। यस, तो उसको सही भी कर दीजिए। बिल्कुल सही है आप लोग, ऑप्शन ए जो है वो गलत दिया हुआ है, 73 नहीं है। तो फिर है क्या? यस, वीर प्रताप सिंह 1986 है। ठीक, 1986, बाकी सारे सही हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, और वाटर एक्ट जो है वो 1974 में आया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जूलियन स्टीवर्ड कॉइंड द टर्म कल्चरल इकोलॉजी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मानव विज्ञानी जूलियन स्टीवर्ड ने सांस्कृतिक परिस्थिति की शब्द गढ़ा था? किस पुस्तक में गढ़ा था, जल्दी से बताओ। जूलियन स्टीवर्ड ने अपनी कौन सी पुस्तक में कल्चरल इकोलॉजी नामक सिद्धांत गढ़ा है, क्वाइन किया है? तो इसका सही आंसर है थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत मत कहिएगा, थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज। हिंदी वाले भी जो हैं यही नाम याद रखेंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज। क्वेश्चन नंबर 33। अर्थ डे इज एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन विच डेट। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो दुनिया भर में किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए। अर्थ डे कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पर आएंगे, मगर उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारा बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और अभी तक अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मैं आप लोगों को फ्री क्लासेस के लिंक देता हूं, और अगर पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं 9241333666 पर आप कॉल कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री
यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया गया था बताइए। तो सही हैं आप सब लोग, आप सबको पता है, सबको खबर है 1976, ठीक है 1976, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35, ये रिपीट हो गया। द रिपोर्ट नेम्ड अवर कॉमन फ्यूचर कब पब्लिश हुई थी 1987 में, नोन एज ब्रनलैंड रिपोर्ट, अ डॉक्यूमेंट जिसमें क्वाइन किया गया था किसी चीज का मीनिंग, वो आपको बताना है कि कौन सी चीज का मीनिंग क्वाइन किया गया था। अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट जिसे ब्रनलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक दस्तावेज है जिसमें इस किस शब्द को गढ़ा गया था और परिभाषित किया गया था बताइए। बिल्कुल सही है आप लोग, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास शब्द को गढ़ा गया था, क्वाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, कौन सा दिया गया गलत सुमेलित है, जल्दी से गलत सुमेलित बता दीजिए फटाफट से, और उसको सही सुमेलित कर देना। बताइए भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी इसमें गैस का रिसाव हुआ था ना कि ऑयल का, गैस रिलीज हुई थी, गैस का रिसाव हुआ था इसमें ना कि ऑयल का। ठीक है, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ, 37 पे आ जाओ कंप्यूटर जी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी इन हिज बुक मैन इन हिज एनवायरमेंट। मैन इन हिज एनवायरमेंट किसकी किताब है और उन्होंने ही सबसे पहली बार एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी शब्द को गढ़ा है। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक मैन इन हिज एनवायरमेंट में पर्यावरण समाजशास्त्र शब्द का उपयोग सबसे पहली बार किया है, और यहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मैन इन हिज एनवायरमेंट भी उसी की किताब है जिसने एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी शब्द को गढ़ा है। तो दोनों इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। तो बिल्कुल सही है आप सब, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, सैमुअल क्लॉजनर, सैमुअल क्लॉजनर की किताब है मैन इन हिज एनवायरमेंट, सैमुअल क्लॉजनर मैन इन हिज एनवायरमेंट, याद रखिएगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 38, द बुक एनवायरमेंट एनर्जी एंड सोसाइटी इज रिटन बाय हूम, पर्यावरण ऊर्जा और समाज पुस्तक किसने लिखी है, इसको ट्रांसलेट मत कीजिएगा, यही पढ़ लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले भी। ठीक है, किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है बताइए। सॉरी, और एक बात याद रखिएगा कि यह बुक है मैन इन हिज एनवायरमेंट। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता रहा हूं, यहां पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं,
मैन एंड हिज एनवायरमेंट, किताब किसने लिखी है बताइए, जरा इसका आंसर दे सकता है कोई? मैन एंड हिज एनवायरमेंट किताब किसने लिखी है? मैन एंड हिज, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्राइग हम्फ्री, फ्रेडरिक बटल, हम्फ्री और बटल ने एनवायरमेंट एनर्जी एंड सोसाइटी लिखी है। मैन एंड हिज एनवायरमेंट किताब किसने लिखी है? क्राइग हम्फ्री ने और फ्रेडरिक एच बटल ने एनवायरमेंट एनर्जी एंड सोसाइटी लिखी है, लेकिन मैन एंड हिज एनवायरमेंट किसने लिखी है ये बताइए। मैन एंड हिज एनवायरमेंट जो किताब है ना वो इंदिरा गांधी ने लिखी है, उसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। मैन एंड हिज एनवायरमेंट किताब जो है वो इंदिरा गांधी ने लिखी है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू द UNFCCC सेक्रेटरियट द ओवरवेमिंग डायरेक्ट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार वनों की कटाई का प्रत्यक्ष कारण क्या है भारत के अंदर या कहीं पर भी बताइए। बिल्कुल सही है आप लोग, आप सबको आंसर पता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एग्रीकल्चर, ठीक, कृषि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए कंप्यूटर जल्दी से, हु हैज कॉइंड द टर्म इकोलॉजी, बहुत आसान सा सवाल है, पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा था, जल्दी से बताइए, पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा है बताइए फटाफट से। 40 तो अर्नेस्ट हेकेल ने गढ़ा है पारिस्थितिकी शब्द। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए कंप्यूटर जल्दी से, हु हैज सेड सोशल इकोलॉजी एम्फेसाइज दैट द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ गोज हैंड इन हैंड विथ द डेस्टिनी ऑफ द नॉन ह्यूमन वर्ल्ड, किसने कहा था कि सामाजिक परिस्थितिकी इस बात पर जोर देती है कि मानव जीवन नियति के गैर मानवीय दुनिया की नियत के साथ साथ चलती है, अगर गैर मानवीय दुनिया खत्म तो मानव जीवन भी खत्म, ये किसने कहा है? यस राइट, बिल्कुल सही है आप लोग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मरे बोक्शिन, मरे बोक्शिन ने कहा था कि मर जाएंगे सब अगर गैर मानवीय जीवन को अगर हमने नहीं संभाला आज तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क थ्योरी बता दो जरा, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय उद्यान सिद्धांत की स्थापना की है बताओ, आसान है सवाल, कान को यहां से ऐसे पकड़ के पूछा है, कोई भी अगर गलत आंसर देगा तो ये छड़ी देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। देखो गलत आंसर देने वाले को छड़ी पड़ेगी, 42 का आंसर कौन गलत दे रहा है देख रहा हूं, ठीक है, सबने सही दे दिया, किसी को नहीं पड़ी, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, अगर किसी को गलत आंसर रहेगा तो पड़ेगी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, वेरियर एलवे, ओ माय गॉड ज्योति आप अपना हाथ दिखाइए नहीं मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, हाथ दिखाइए इसलिए कि आपको पड़ेगा हाथ में, क्योंकि आप गलत कर रही हैं, आप वेरियर एलवे है इसका सही आंसर ज्योति। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, सबसे पहली राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष आई थी अस्तित्व में बताइए। अच्छा निधि ऐसा नहीं हो सकता है निधि वर्चुअल पिटाई से कोई कभी बीमार नहीं पड़ता है चलिए तो इसका सही आंसर है 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी,
ठीक है, 1988 में। यार यही मेरे को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस सवाल में। ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी नहीं, सही है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो 1988 में ही आई थी। ठीक है, 1988 में ही आई थी, बिल्कुल सही है। नहीं, सही है ये। ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं। फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करोगे तो वो गलत है। ठीक है, वो गलत है। फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी ना, वो 1894 में आई थी पहली। लिख लो, नोट कर लो। फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करेंगे, केवल फॉरेस्ट पॉलिसी, तो वो 1894 में आई थी पहली। लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी वो 1988 में ही आई है। नेशनल, यशवंत निषाद, आप समझ लीजिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो 1988 में आई है। ठीक है, फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो पहले आई है कई बार, लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो 1988 में ही आई है। ठीक है, चलो। 44 लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, दिस एक्ट ऑथोराइज्ड द गवर्नमेंट टू हैव कंट्रोल ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। 1894 में जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है, किस तरह की भूमि पर सरकार नियंत्रण रखने के लिए ये अधिनियम बनाई थी, बताइए जल्दी से। यस, तो बिल्कुल सही है। आप लोग दोनों के लिए, ठीक, प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए, बोथ ए एंड बी, ठीक, दोनों को कंट्रोल किया था ब्रिटिशर्स ने ताकि वो खनन कर सके, हमारे देश के जो संसाधन है उसको अपने देश में ले जा सके। तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा चालू हो चुका है, बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर। फ्री क्लासेस आपको वहां पर बहुत सारी मिल जाती हैं, उसके लिंक मिल जाते हैं। रेगुलर पेड क्लास जो है ट्यूजडे से सैटरडे लगातार चल रही है, आपके जेआरएफ के सपने को पूरा करने के लिए ये क्लास चल रही है। हर एक टॉपिक सिलेबस के हम यहां पर कवर करते हैं। 9241333666 पर आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैस्ड, कौन सा गलत सुमेलित है, बताइए, उसको निकाल दीजिए बाहर और उसको सही सुमेलित भी कर दीजिएगा, सही सुमेलित कर दीजिएगा, बता रहा हूं मैं, सही सुमेलित कर दीजिएगा उसे। सही आंसर क्या है? के पढ़ी ने इंपैक्ट ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसीज इन इंडिजिनस पीपल नहीं लिखा है। ठीक है, के एम पढ़ी ने नहीं लिखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 46। बाकी सारे सही हैं, बाकी सारे देख लो अच्छी तरह से, अभी तक देख ही लिया होगा सब लोगों ने। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 46। Which of the following personalities is not associated with चिपको movement? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व चिपको आंदोलन से जुड़ा नहीं है, बताइए, कौन चिपको आंदोलन, और जो चिपको आंदोलन से नहीं जुड़ा है तो वो कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ये भी बता दीजिएगा, पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है फिर वो, ये भी बता दीजिएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, किंकरी देवी। किंकरी देवी किससे जुड़ी हुई है,
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज एसोसिएटेड विथ नर्मदा बचाओ आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन से नेतृत्वकर्ता जुड़े हैं बताइए। किंकरी देवी माइंस और खनन से जुड़ी हुई है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर जुड़ी हैं, लेकिन यहां पर आपको बहुत पोटेंशियल एक सवाल इस बार पूछा जाएगा सरला त्रिपाठी के बारे में। सरला त्रिपाठी के बारे में सवाल पूछा जाएगा। ये 94 ईयर्स की महिला है, ठीक है। इनका जिक्र किसने किया था? प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने मन की बात में किया था। ये रेल यात्रियों को पानी पिला रही हैं, पानी पिलाती हैं फ्री में कई सालों से, ठीक है, यात्रियों को पानी पिलाती हैं, ठीक। सरला त्रिपाठी नाम है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है क्योंकि हमारे यहां वाटर और सोशल एक्सक्लूजन है, ठीक। सरला त्रिपाठी ये पानी पिलाती हैं रेलवे स्टेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक, और 94 इयर्स की हैं। चलिए, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, मेधा पाटकर, ठीक, मेधा पाटकर इसका सही आंसर है, मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं मेधा पाटकर। सरला त्रिपाठी याद रखिएगा पानी पिलाने का काम कर रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में उनका नाम जो है लिया था, ठीक। वाटर सर्विस प्रोवाइड करती हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, वंगारी मथाई इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल मूवमेंट? वंगारी मथाई निम्नलिखित में से किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़े हुए हैं बताइए। और फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, ठीक है, इसका सही आंसर है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, लेकिन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ पृथ्वी के मित्र स्थापित किया गया था 1969 में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डेविड ब्रोअर द्वारा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है पृथ्वी के मित्र, 1969 में स्थापित किया गया था, ठीक, और हिंदी वाले भी फ्रेंड्स ऑफ अर्थ ही नाम से याद रखेंगे, डेविड ब्रोअर द्वारा। ठीक है, याद रख लेना अच्छी तरह से, ये सवाल पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी न्यूज में है ये बहुत ज्यादा, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 49, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय, ग्रीन पीस आंदोलन की स्थापना किसने की थी बताइए। ग्रीन पीस मूवमेंट की स्थापना आप लोगों को रट चुका होगा इरविंग स्टोवी और डोरोथी स्टोवी, ठीक, इरविंग स्टोवी और डोरोथी स्टोवी, ठीक है। वंगारी मथाई के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक। जेनिफर मॉर्गन हाल ही में न्यूज में आई थी, ये जेनिफर मॉर्गन,
इनके बारे में जान लीजिएगा। सवाल पूछेगा क्लाइमेट का इंपैक्ट ये देखती हैं, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई हैं, याद रख लो थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज, ठीक, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चलो और लास्ट सवाल है आज का। यहां पे टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने आप लोगों को दे दिया है, बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, नीचे कोड दिए गए हैं, ठीक है, वो कोड देख करके आपको आंसर बताना है। बताइए गोल वन किससे संबंधित है, गोल सिक्स किससे संबंधित है, गोल सेवन किससे संबंधित है, गोल थर्टीन किससे संबंधित है, बताइए फटाफट से। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा कोड में। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। पचासवें क्वेश्चन का आंसर अभी तक आया नहीं है। वन संबंधित है किससे, नो पॉवर्टी से, याद रखिएगा वन नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए समाज में, ठीक है। सिक्स किससे संबंधित है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मैंने आप लोगों को बताया था क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सिक्स, ठीक है। सेवन किससे संबंधित है, सेवन संबंधित है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक। और थर्टीन किससे संबंधित है, क्लाइमेट एक्शन। तो इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी है उस हिसाब से सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गोल वन इज नो पॉवर्टी, गोल सिक्स इज सैनिटेशन, गोल सेवन इज क्लीन एनर्जी और गोल 13 इज क्लाइमेट एक्शन। अरे राजलक्ष्मी ऐसे कर लो यार, तुम लोग कितने मतलब ए बी सी डी ऐसे कर लो ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसे करो, ठीक है। यहां पे ये ए कर लो, बी कर लो छोटा, ए बी सी डी ऐसे कर लो, ठीक है। जया के 42 बने हैं, ठीक है, चलिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लाइक कर दो जरा सेशन को एक बार जोर के, जिसने लाइक नहीं किया वो बस लाइक कर दे, बस सब लोग मत कर देना नहीं तो दो बार लाइक होने से वो डिसलाइक हो जाता है फिर। अच्छा ठीक है बलवंत, सोनू आपके इतने कम कैसे बने हैं यार, आज तो बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे और बहुत आसान सवाल थे आज। 40 के नीचे तो किसी का बनना ही नहीं चाहिए आज की, आज के इस पेपर में। चलो बाय बाय, और ख्याल रखिए आप सब लोग अपना, जैसे जैसे एग्जाम पास आने लग जाता है तो आप लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, सो लाइक, ग्रेट, मजा आ गया।